जी एक इंटरेस्टिंग सवाल है, गाना सुनना और मौसीकी की महफिलों में जाना कहाँ तक जायज़? मैंने अभी आपको गिनकर बताया कि अल्लाह ताला ये फरमाते हैं कि मैंने सिर्फ पांच चीज़ें हराम की, इसके अलावा कोई चीज़ हराम नहीं। फ़नून लतीफ़ा, फाइन आर्ट्स जितने भी हैं उनमें मौसीकी है, उनमें गाना है, उनमें गना जिसको कहते हैं, उनमें मुसव्वरी है, उनमें शायरी है, ये सब बिल्कुल जायज़ है। ये जो पांच चीज़ें मैंने बयान की है, इनमें से कोई चीज़ अगर इनमें पाई जाए तो तब ये हराम हो जाती है। मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली का शेर है कि वो खुद शायर हैं और बड़े शायरों में से हैं, तो उन्होंने कहा कि गुनाहगार वहाँ, यानी अल्लाह के यहाँ गुनाहगार वहाँ छूट जाएंगे सारे, जहन्नम को भर देंगे शायर हमारे। तो ये उन्होंने शायरी को हराम नहीं कहा, शायरों के करतूतों पर तबसरा किया। इस वजह से अगर मौसीकी में, गना में, मुसव्वरी में कोई चीज़ ऐसी है जिसमें शिर्क पाया जाता है, जो बदकारी पर उकसाती है, जिसमें किसी हक तलफी की तबलीग की जाती है, किसी की जान माल आबरू के खिलाफ ज्यादती की जाती है, अल्लाह की तरफ ऐसी बातें मनसूब की जाती हैं जो अल्लाह ने नहीं कही, तो ये कॉन्टेंट है जिसकी बुनियाद पर हर शख्स को फैसला करना है, यानी बजाय खुद इनमें से कोई चीज़ ना जाए।